हसन बशीर मेरा नाम है जी मैं एक ई कॉमर्स स्टोर को रन करता हूँ साथ ही साथ चार्टर अकाउंटेंसी का स्टूडेंट हूँ और बुक्स एंड चाय के नाम से इस कैफ़े का ओनर भी हूँ और इसे चलाता भी हूँ एज़ ए स्टूडेंट एज़ एन एंटरप्रीनोर मैं uh, जब uh, अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर या अपनी uh, पढ़ाई के दौरान जो है वो uh, uh, तैयारी करता था तो ऐसी एक जगह की कमी महसूस होती थी पेशावर के अंदर के जहाँ पर हम बैठ सकें और Uh, किताबों का मतलब भी कर सकें uh, लैपटॉप पर अपने असाइनमेंट्स भी कंप्लीट कर सकें अपने स्टार्टअप के ऊपर भी काम कर सकें और उसके साथ साथ जो है वो रिफ्रेशमेंट uh, भी वहाँ पर अवेलेबल हो चाय कॉफी और दीगर जो uh, uh, चीज़ें होती हैं रिफ्रेशमेंट की तो वो अवेलेबल हो, तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए उसको सॉल्व करने के लिए हमने इस जगह को इनिशिएट किया ये एम्बियंस माहौल बहुत पुरसकून है पेशावर में अपने नौीय का ये एक मुनफरद एक इन्होंने बहुत अच्छा शेप इसको दिया है मैं ये कह सकती हूँ कि बीइंग अ बींगी हमारे ऐसे काम होते हैं या एज़ ए रिसर्चर हमें कुछ ऐसी चीज़ों पे काम करना पड़ता है जिसको हमें पीस ऑफ माइंड और पीस ऑफ एनवायरनमेंट दोनों की ज़रूरत होती है कभी वो हमें घर पे नहीं मिलता नॉइज़ की वजह से ऑफिस में नहीं होता और कभी ऐसा होता है आपको एक वर्क स्पेस नहीं मिलता ये एरिया आपको एक वर्क स्पेस प्रोवाइड कर रहा है वाईफाई दे रहा है आपको और साथ साथ आपको चाय के लिए बड़ी मेहनत करके उठ के जाना पड़ता है घर में ही ऑफिस में किसी को कहना पड़ता है यहाँ आप चाय ऑर्डर करने साथ आपके स्नैक्स हैं यू कैन इन्जॉय योर वर्क ओवर हेयर Uh, जो इनकी की है वो ये है कि हर तरह की आपको यहाँ किताब मिलेगी आपको यहाँ फिक्शन से लेके कोर्स वर्क तक आपको यहाँ स्टेशनरी हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है यहाँ पर वाईफाई भी अवेलेबल है प्रिंटिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है यहाँ पर आ, लोकल और ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कजीस भी अवेलेबल हैं और साथ ही साथ चाय और कॉफ़ी भी विजिटर्स के लिए अवेलेबल हैं हमारे पास यहाँ पर कोर्स के बुक्स की भी पूरी एक कलेक्शन मौजूद है स्कूल बुक्स से लेकर पीएचडी तक हमारे पास बुक्स मौजूद हैं फिर हमारे पास जनरल बुक्स भी मौजूद हैं इंग्लिश लिटरेचर उर्दू लिटरेचर इसके अलावा इस्लामिक जो बुक्स हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं सोशल साइंसिस के साथ रिलेटेड और जनरल नॉलेज के ऊपर जितनी भी बुक्स हैं तो वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं पेशावर के लोगों ने स्पेशली यंगस्टर्स ने इस आइडिया को बड़ा पसंद किया है और उन्होंने बड़ा एक ओवरवेलमिंग और अच्छा रिस्पांस दिया है बेसिकली और कोई मुश्किल अगर इसके अंदर मौजूद हो या ना हो लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो अवेयरनेस को स्प्रेड करना है क्योंकि यहाँ पर हम बुक्स के साथ लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं जब भी कोई बिजनेस या कोई स्टार्टअप शुरू होता है तो वो अपने माशरे के अंदर एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं उस प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करने के बाद वो स्टार्टअप जो है वो क्रिएट होता है आम लोगों की तरफ से तो यही रिस्पांस मिलने को हमें मिला कि बुक्स का चूँकि ट्रेंड जो है वो काफ़ी कम हो गया है और बुक्स के अंदर लोगों की उतनी कोई दिलचस्पी नहीं रही लिहाजा ये जगह जो है वो उस तरह से एक सक्सेसफुल जगह नहीं होगी